हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सिंह आज आपके लिए 3 मैनुअल पेपर कटिंग मशीन लेके आया हूँ, जो कि आपकी A4 A3 दोनों में मिल जाएगा आपको। बेसिक A4 है, फिर इसी में बेसिक में आपको A3 भी मिलेगा, और हमारे पास हैवी ड्यूटी भी है जो कमर्शियल यूज़ के लिए रहता है। 3 टाइप के पेपर कटर हैं, तीनों में हम देखेंगे कैसे यूज होता है तीनों का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ये आपका A4। इसमें देखिए जो शीट है 10-12 शीट होती है मैक्सिमम। आप इसमें इजीली 1x1 भी कर सकते हैं। ये जैसे लगाया आपने, इससे हम दाब लगा देते हैं और ये कट होगा। सिंपल 1 कट पेपर है ये। ये हो जाता है आपका सिंगल शीट स्टिकर मोटर पेपर कटिंग करने के लिए इस टाइप का कटर यूज होता है। ये हो गया आपका A4 साइज में, मतलब कि ये जो है 12 इंटू 10 के साइज में आता है ये कटर। फिर आ जाते हैं हमारा ये देखिए 18 इंटू 15 साइज, जिसको हम A3 नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं A3 कटर। इसके अंदर आप A3 डॉक्यूमेंट जो होता है A4 का डबल होता है, 18 इंच के अंदर का पेपर इसी इजीली कट हो जाएगा। उसमें भी देखिए इसमें क्या चीज़ दी गई है, इसमें दाब लगाने के लिए इस टाइप का है। इसमें देखिए हैंडल में ही दाब है, ये जब नीचे लाएंगे आप तो यहाँ ये प्रेस कर लेता है, तो ये थोड़ा उससे अपर मॉडल हो गया। ये इसको प्रेस कर लेता है तो शीट आपकी हिलेगी नहीं, और इस तरीके से ये कट हो जाएगा। तो ये भी आपका 10-12 शीट एक साथ कर देता है। मेटल बॉडी है इसकी, और साइज इसमें देखिए दिए गए हैं अलग अलग, डिफरेंट साइजेस डायग्राम बना हुआ है, जो कि आपके काम को इजी करता है, इजीली आप सेट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा ये हैवी ड्यूटी A3 मैनुअल कटर है। देखिए A3 लिखा हुआ है, A3 से ऊपर भी कट हो जाएगा, 18 इंच के अंदर अंदर जितना भी साइज होगा कट होगा। और इसकी मेन खासियत है कि इसमें आप 300 से 500 पेज इजीली कट कर सकते हैं, 300 to 500 शीट इजीली कट हो जाता है। सबसे पहले देखिए इसमें ये आपको दिया गया है, ये स्क्रू हम लूज करेंगे। लूज करने के बाद हमने फर्स्ट चीज करनी है हैंडल को सीधा करना है। पैकिंग में ये हैंडल लग के आता है, और जब यूज में लेंगे तो इसको आप सीधा इस तरीके से लगा देंगे, और फिर स्क्रू आपको यहाँ कसना है। अभी मैं सैंपल के लिए हल्का सा ही लगा के रख रहा हूँ, आप इसको एलेंकी की हेल्प से कस देंगे। अब जब इसको आप घुमाएंगे तो देखिए ये दाब ऊपर आएगा, ये 1.5 इंच का गैप बनता है इसके अंदर। 1.5 इंच के अंदर जितनी शीट्स आ जाए, वो आपकी 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, जितनी शीट भी रहेगी 1.5 इंच के अंदर वो इसमें कट हो जाएगा। सैंपल के लिए देखिए यहाँ एक मेरे पास रफ है, जिसको मैं आपको कट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये इस तरीके से लग जाएगा, ये हैंडल ऊपर जाने पे यहाँ लॉक लग जाता है, लॉक लग जाता है। ये सेफ्टी फीचर है कि आपका जो हाथ है कटिंग के टाइम कभी ब्लेड के नीचे ना आए। ये देखिए लॉक रहता है, इसको अनलॉक करने के लिए ये अनलॉक किया हुआ है, ये अनलॉक करके ही हैंडल नीचे आएगा। तो जैसे मैं ऊपर ले गया और मैंने यहाँ शीट लगा दी, ये जो चीज़ है ये होती है पेपर सेट करने के लिए। जहाँ पे आप सेट कर देंगे उसके पीछे पेपर नहीं जाएगा, वहीं तक रहेगा। तो ये नाप लगाने के लिए रहता है कहाँ पे आपको साइज अपना सेट करना है। इसमें स्पेयर पार्ट्स भी है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें एलेंकी मिल जाएगी, जिससे आप स्क्रू ये टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। और यही जो आपका इसका टूल बॉक्स का किट है, ये आपको ब्लेड होल्डर भी है, ये ब्लेड को होल्ड भी करता है जब आप इसमें ब्लेड चेंज करेंगे। तो ब्लेड का साइज है इसमें 20 इंच का, जो कटिंग आपकी 18 इंच तक करता है। अब दाब लगा के देख लेते हैं कैसे दाब लगाएंगे। इसी को देखिए हम नीचे लाते हैं, तो ये देखिए दाब नीचे आ रहा है, और जब इसको पेपर पे दाब आ जाएगा तो कटिंग के टाइम आपका पेपर हिलेगा नहीं, तो उससे आपकी जो कटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब इस साइड आप जो देखेंगे, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, सेफ्टी के लिए है कि डायरेक्ट हाथ ना लगे आपका उस ब्लेड पे। अब ये अनलॉक करेंगे और ये हैंडल नीचे लाएंगे। उससे पहले क्लियर दिखाने के लिए मैं ये हटा देता हूँ। अभी देखिए ये ब्लेड है, ये ऊपर गया, ये नीचे आएगा, और देखिए सिंगल हैंड से इजीली कट होता है। ये देखिए एक ही कटिंग में आपके पूरी की पूरी नोटबुक कट के रेडी हो जाएगी। ये देखिए शार्पनेस यहाँ से आप क्लोज करके देख सकते हैं,
एकदम सेम कटिंग होगी, शुरू की शीट से लेके लास्ट की शीट तक आपकी एकदम परफेक्ट सेम कटिंग होगी। अब इसको लूज करके हम ये पेपर निकाल लेंगे। ये देखिए फिनिशिंग है इसकी, इसमें इजीली 300 से 500 शीट आप कट कर सकते हैं। बड़ी शीट रहेगी तो उसके लिए होल्डर है, शीट को सपोर्ट मिल जाता है। और इसका ब्लेड और जो इसकी ये रेड स्ट्रिप पट्टी देख रहे हैं, ये हमारे पास अवेलेबल रहती है, ये भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। तो ये तीनों कटर है, तीनों का अपना अपना यूज़ है, आप अपने यूज़ के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ATSautomation.com, आप डायरेक्टली जाके वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। और कोई भी डिटेल मशीन की आपको चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं विकास सिंह ATS Automation से।